सनौफ बिहार होवे अपन मनीष भैया, सनौफ बिहार होवे अपन मनीष भैया, होवे उ सच्चा पत्रकार हो। कहिया ले लौट के आए तमिलनाडु से भैया, खोजतावे पूरा बिहार हो, ए भैया हो, खोजतावे पूरा बिहार हो। सनौफ बिहार हवे अपन मनीष भैया, हवे उ सच्चा पत्रकार हो। कहिया ले लौट के आए तमिलनाडु से भैया, खोजतावे पूरा बिहार हो। मनीष कश्यप और बेरोजगारी पर ये साधु जी एक गाना गाते हैं, और ये कोई बाबा नहीं है बल्कि इनका नाम ही साधु है। इन्होंने एक गाना गाया और वो गाना काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना, और काफ़ी जगहों पर वो गाना आपको देखने को मिल जाएगा। आज इनके पास पहुँचे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी अच्छी आवाज़ होने के बावजूद भी बिहार में इनको ये मौका क्यों नहीं मिल पाया कि ये अच्छे मुकाम पर पहुँच सकें। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सर। बताएं कैसे हैं आप। एक चीज़ बताइए, मनीष कश्यप पे गाना गाने का मेन मकसद, मुख्य वजह क्या था? मनीष भैया हमको अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसीलिए गाए। और बेरोजगारी से किस तरह से प्रताड़ित हो गए जो गाना ही गा दिए, बेरोजगारी पे गाना बना करके गा दिए? बेरोजगारी तो बिहार में है ही, वो तो आपको भी पता होगा। सत्य है, वो है ना सत्य, तो वो तो आप ही, आपको भी दिख रहा होगा, बेरोजगारी ही बेरोजगारी है बिहार में। आप भी इससे पीड़ित थे इसलिए गाना गा दिए क्या? बेरोजगारी ही नहीं, हर एक मुद्दे पे गाना गाते हैं हम। जो मतलब आपसे, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप भी इस बेरोजगारी के मुद्दे से पीड़ित थे क्या? थे तभी न गाए। बिल्कुल। एक बार जरा बेरोजगारी वाला गाना हमें सुना करके। ये सॉन्ग था हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लिए और तेजस्वी भैया के लिए था। सॉन्ग इस तरह था। के कारास पूछी, के कारास पूछी, के कारास पूछी नीतीश चाचा बतिया सारी, कहिया ले खत्म हुई बिहार से बेरोजगारी, कहिया ले खत्म हुई। के कारास पूछी, के कारास पूछी, के कारास पूछी नीतीश चाचा बतिया सारी, कहिया ले खत्म हुई बिहार से बेरोजगारी, कहिया ले खत्म हुई। बिहार में पैदा भइनी इहे बाका कसूर हो, हर जगह सतावल जाला बिहार के स्टूडेंट हो। बिहार में पैदा भइनी इहे बाका कसूर हो, हर जगह सतावल जाला बिहार के मजदूर हो। सभे भगाबे चाचा, सभे हटाबे करे अपमान, सभे कही के बिहारी, कहिया ले खत्म हुई बिहार से बेरोजगारी, कहिया ले खत्म हुई। के कारास पूछी, के कारास पूछी, के कारास पूछी नीतीश चाचा बतिया सारी, कहिया ले खत्म हुई बिहार से बेरोजगारी, कहिया ले खत्म हुई। क्या बात है। अच्छा एक चीज बताइए, इस गाने को गाने के बाद काफी आपकी आवाज तो काफी सुरीली है, कहीं ट्रेनिंग वगैरह भी आपने लिया था क्या? नहीं, गॉड गिफ्टेड है। और ये जो गाना का स्क्रिप्ट है, ये आपने खुद लिखा है या फिर कहीं से आपने उठाया है? नहीं, हमारे कवि जी लिखे हैं। अच्छा, हमारे गीतकार जो हैं, गीतकार जो हैं, वो लिखे हैं और हम गाए हैं अपनी आवाज में। अच्छा, तो एक चीज बताइए, मनीष कश्यप से काफी ज्यादा प्रभावित नजर आते हैं, तो मनीष कश्यप के लिए जो आपने गाना गाया था, क्या हमारे दर्शकों को थोड़ा सा वो सुनाइएगा? जरूर सुना देंगे, हमारा काम ही सुनाना है। सॉन्ग था सन ऑफ बिहार हवे अपन मनीष भैया, सन ऑफ बिहार हवे अपन मनीष भैया, हवे उ सच्चा पत्रकार हो।
कहिया ले लौट के आइए तमिलनाडु से भैया खोजता वे पूरा बिहार हो ए भैया हो खोजता वे पूरा बिहार हो सन ऑफ बिहार हमें अपन मनीष भैया हमें उ सच्चा पत्रकार हो कहिया ले लौट के आइए तमिलनाडु से भैया खोजता वे पूरा बिहार हो। थैंक यू। वाह। अच्छा चिराग पासवान से आप काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, बीच में सुनने में आ रहा था कि आपने उनके ऊपर भी कुछ गाना वगैरह गाया था क्या? चिराग भैया से मिले भी और सॉन्ग भी सुना है। उनके ऊपर क्या गाना आपने, किस मुद्दे पर उनके लिए गाना गाया था? सॉन्ग ऐसे था चिराग भैया हमें बिहार के शान हो कि उनका से आस लागल बा चिराग भैया हमें बिहार के शान हो कि उनका से आस लागल बा कि उनका से आस लागल बा हो कि उनका से आस लागल बा भैया हमें गरीबन के शान हो कि उनका से आस लागल बा चिराग भैया हमें बिहार के शान हो कि उनका से आस लागल बा भैया चिराग परी हैं सबका पे भारी बन जाई है सीएम दूर होई बेरोजगारी भैया हमें गरीबन के शान हो कि उनका से आस लागल बा। थैंक यू। क्या बात है। बाकी क्या सोचते हैं साधु जी के बारे में और इनके गाने के बारे में कमेंट सेक्शन में राय देना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।